नमस्कार, मैसेल्फ डॉक्टर इशिका निगम, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट वी क्लिनिक कानपुर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस टीम द्वारा ठीक हुए पेशेंट्स का फीडबैक। हेलो जी। हेलो, पंकज जी से बात हो रही है? हेलो पंकज जी से बात हो रही है? जी मैम, प्रणाम। जी प्रणाम, डॉक्टर इशिका बात कर रही हूँ, बताइए कैसे हैं अभी आप? दवा खा रहे हैं मैम। देखिए है क्या मैम कि चलता फिरता पेशेंट हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बेड पर पड़ा हूँ। होता क्या, कभी कभी आरए हावी हो जाता है, कभी साइटिका हावी हो जाता है, मतलब ये बॉडी से पूरा निकल नहीं पा रहे हैं अभी तक। अच्छा, कभी स्लिप डिस्क भारी हो जाएगा, कभी अभी देखिए एक जो जिस हाथ से खाते हैं उस हाथ में पूरा सूजा हुआ है। वो जो क्या बोलते हैं उंगली का जो वहाँ जो होता है ना, जो मुड़ने वाला भाग, मुख्य मुख्य जो ज्वाइंट होता है हाथ से जुड़ा हुआ उंगली का, जी वहीं पर पूरा भी सूजा हुआ है 2 दिन से। वो 2 दिन रहेगा, 3 दिन फिर अपने आप डाउन खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कभी वो कभी क्या रहा है कि जैसे आपका मौसम बदल रहा है ना, अभी तो मौसम बदलता है तो उस टाइम पे आरए फैक्टर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, इस वजह से आपको इस टाइम मैम कभी भी होता है मैम। इसके लिए कोई टाइम टेबल हम नहीं वर्क किए हैं, कभी भी होते रहेगा। कभी उंगली में आएगा, कभी कंधा में आ जाएगा, कभी कभी मतलब घुटना दर्द होने लगेगा, मतलब घूमते रहता है बॉडी में कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी कमर का दर्द कैसा है अभी? कमर का तो दर्द है ही नहीं मैम, जांग का दर्द था, जांघों में था। हाँ ठीक है, वो तो साइटिका ड्रॉप्स साथ में लेता हूँ तो ठीक रहता है, साइटिका ड्रॉप्स नहीं खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, सियाटिका वाली ड्रॉप अलग से आप लेते हैं, है ना? हाँ, वो और मैकफॉस। मैकफॉस, ठीक है। और बाकी अभी जैसे जो जॉइंट पेन वाली प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, उसमें पहले से कोई सुधार लग रहा है? उंगली में जो अभी उसका तो दवाई ही नहीं खाया हूँ मैं। अच्छा, अभी आरए का तो दवाई पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, जो भिजवाए हैं, मेरा दवाई आप स्लिप डिस्क का दे रहे थे और कंधे और गर्दन का। कभी कभी कंधा और गर्दन में, कंधा की तरफ से सोते हैं ना एक साइड में, कभी कभी तो बहुत ज्यादा सो नहीं पाते, इतना पेन रहता है कंधे में। अच्छा ठीक है, तो फिर ये तो आपको दवाइयाँ जो भिजवाई गई हैं आप इन्हें खाइए कम से कम 10-15 दिन, फिर हमें एक बार 15 डेज बाद बताइए फॉलो अप में कि कैसा है पहले से। ठीक है।